नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएसओ। तो डीएसओ स्टैंड्स फॉर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो रियल लाइफ में हमारा डीएसओ दिखता कैसे है तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे हमारा कीपैड फोन होता है जिसके नीचे कीज होते हैं, ऊपर स्क्रीन होती है, वैसे ही डीएसओ होता है लेकिन साइज में बड़ा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फंक्शन देखेंगे, फिर क्या करेंगे हम इसकी ये देखेंगे कहते हैं कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। पहले फंक्शन बता देता हूं मैं। DSO क्या है, नाम से पता चल रहा है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, मतलब डिजिटल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये स्टोर करेगा। ठीक है, वेवफॉर्म्स को डिजिटलाइज करके उसको स्टोर करेगा। और ये नहीं है कि एक बार स्टोर कर गया तो वो इरेज हो जाएगा। इसमें इतनी कैपेसिटी जैसे हमारे फोन्स में होता है कि स्टोरेज होती है, वो स्टोर कर सकता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा DSO भी उस टाइम के लिए स्टोर कर सकता है। ओके, इसमें एक बैटरी भी होती है जिसकी वजह से क्या हम इसको चार्ज कर सकते हैं और ये हमारे फोन की तरह ही चल सकता है। तो DSO एक फोन की तरह ही है। ठीक है, एंड्रॉइड फोन की तरह जो हम यूज करते हैं आज के मैंने, कीपैड से अलग लेकिन कीपैड जैसा ही दिखता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम विद द ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा इनपुट सिग्नल देंगे। इनपुट सिग्नल हमारा क्या होगा, एक एनालॉग सिग्नल होगा, डिजिटल भी हो सकता है लेकिन एनालॉग सिग्नल ही होता हमारा इनपुट। ठीक है, उसमें क्या होगा, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को सबको पता है लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एम्पलीफायर इज यूज टू रेज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल। कोई भी सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ाने से क्या मतलब है, जैसे सिग्नल हमारा लो लेवल का है तो उसको हाई लेवल में कन्वर्ट कर देगा, वो एम्पलीफायर का यही काम होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ आपको, हम स्पीकर्स होते हैं, हमारे ऑडियो तो हमारी कमी होती है लेकिन स्पीकर्स में जब हम कनेक्ट करते हैं अपने फोन को जो हमारी ऑडियो लाउड हो जाती है, तो वही एम्पलीफायर होता है। ठीक है, ऐसे ही एम्पलीफायर होता है, वो भी लो लेवल से हमारे सिग्नल को हाई लेवल की तरफ ले जाता है, एम्पलीफाई करता है। देन डिजिटाइजर। डिजिटाइजर का नाम से भी पता चल रहा है, डिजिटाइजर मतलब इसमें कुछ डिजिट्स का काम है, डिजिटल का काम है। ठीक है, डिजिटल में क्या होते हैं, वन और जीरो ही होती है। ठीक है, तो डिजिटाइजर क्या करेगा, हमारा जो एनालॉग सिग्नल है आ रहा है हमारा, उसको सैंपल कर लेगा। सैंपलिंग थ्योरम आपने पढ़ी होगी। ठीक है, अभी मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा उसको, बता देता हूँ आपको क्या है सैंपलिंग थ्योरम। उसमें क्या है, सैंपल्स कर लेता है हमारे जो एनालॉग सिग्नल है उसके टुकड़े कर लेता है, टुकड़े करके उनको हमारे डिजिटल फॉर्म में, वन जीरो के फॉर्म में स्टोर कर देगा डिजिटाइजर। ठीक है, कन्वर्ट कर देगा, सॉरी स्टोर नहीं करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हमारा एनालॉग सिग्नल जो यहाँ से आ रहा था। फिर ये क्या करेगा हमारा, बता देता हूँ मैं एक बार करके। मान लीजिए हमारा ये एनालॉग सिग्नल था, ये एनालॉग सिग्नल था हमारा। ठीक है, ये डिजिटाइजर क्या करेगा हमारे, इसके सैंपल्स कर लेगा ऐसे टुकड़े, समझे बात को, और कन्वर्ट कर देगा अपने डिजिटल फॉर्म में, वन जीरो के फॉर्म में। फिर क्या, मेमोरी। मेमोरी तो आप सबको पता है हमारे फोन्स में होती है, क्या किस लिए यूज होती है, स्टोरेज के लिए। ठीक है, स्टोर करेगी जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है उसको स्टोर कर देगी। ठीक है, ये इसकी खासियत है, ये स्टोर कर लेता है। अगर हमें बाद में जरूरत पड़ती है हमारे सिग्नल या इन्फॉर्मेशन की, हम बाद में भी देख सकते हैं। फिर क्या होगा हमारा एनालाइजर सर्किटरी। एनालाइजर का सबको पता है, एनालिसिस क्या होती है, आंकलन करना। ठीक है, आंकलन करेगा ये, किस चीज का आंकलन करेगा, जो हमारा स्टोर हुआ है ये, उस चीज का ये आंकलन करेगा, एनालाइज करेगा उस इंफॉर्मेशन को, ताकि आउटपुट में हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें शुरू में भेजी थी वो हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, हो गया हमारा एनालाइजर का काम भी हो गया। फिर क्या, वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन। नाम से पता चल रहा है, वेवफॉर्म थी जो हमारे एनालॉग वेवफॉर्म थी वो डिजिटल में कन्वर्ट हो चुकी है डिजिटाइजर के थ्रू। ठीक है, 10 फॉर्म में। अब वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन का काम क्या है, रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, फिर से बनाना। तो जो हमारी डिजिटल में बन चुकी है एनालॉग फॉर्म, वो आउटपुट में तो हमें एनालॉग में ही चाहिए। ठीक है, तो वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन का क्या काम है, वो जो हमारी डिजिटल में बना दी थी वेवफॉर्म डिजिटाइजर ने, तो उसको ये फिर से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसका यही काम है वेवफॉर्म रिकंस्ट्रक्शन का। ओके, अब इस पर नजर मार लेते हैं, हमारे एक सिस्टम है। ठीक है, टाइम बेस्ड सिस्टम। ये क्या करेगा, हमारा ट्रिगर। ट्रिगर का क्या मतलब होता है, पल्सेस अप्लाई करना, क्लॉक भी यही होता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम बेस्ड, देखिए नाम से पता चल रहा है, जब हमें जरूरत पड़ेगी कि भाई हमें पल्सेस चाहिए अब, ठीक है, एक्सटर्नल पल्सेस चाहिए जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उससे अलग, तब ये क्या करेगा, हमारा ट्रिगरिंग होगी यहाँ पर। और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या है, जो हमारा एम्पलीफाई करेगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर ही होता है हॉरिजॉन्टल है, वहां पर वर्टिकल होगा। ठीक है, वहां पर बनाया नहीं मैंने, वर्टिकल एम्पलीफायर होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है किस लिए होता है, सीआरटी में आपने पढ़ा होगा, सीआरटी में रिवाइज करवा देता हूँ। सीआरटी फुल फॉर्म होती है हमारी कैथोड रे ट्यूब। ये किस लिए यूज होती है, जो मेन फंक्शन होता है वो सीआरटी का ही होता है। ठीक है, सीआरटी हमारी कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसमें क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन बीम होती है जिसके जरिए हम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और वर्टिकल प्लेट्स के जरिए एक बीम जाती है, कहाँ पर जाती है, हमारी
स्क्रीन पर जाती है, कौन सी स्क्रीन पर जाती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जाती है, वहां पर क्या होती है हमारी इमेज क्रिएट होती है, जो इमेज ही हमारी क्रिएट होगी ना आउटपुट में एनालॉग इमेज, अगर सीआरटी नहीं होगी तो इमेज क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। सीआरटी इज द मेन, कह सकते हैं हार्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है, सीआरटी जरूरी है इसमें। तो ये हमारा डीएसओ का पूरी वर्किंग है ब्लॉक डायग्राम से, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और फंक्शन मैंने बता ही दिया, स्टोर करने के लिए यूज होता है इसका, ठीक है, बाद में भी देख सकते हैं हम, स्टोरेज करता है मेमोरी में ये, और ये चार्जेबल भी होता है, बैटरी भी होती है इसमें, ठीक है। ये और एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज यही है कि ये स्टोर करता है हमारा, इसमें हम बाद में भी अपने इन्फॉर्मेशन या सिग्नल को देख सकते हैं, ठीक है। और मेन एडवांटेज क्या है इसकी, जो वो है कहते हैं ऑपरेटिंग ऑपरेशन है जो इसका, इसको ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी होता है, जैसे हमारा फोन होता है उसको ऑपरेट करना हम सीख जाते हैं, वैसे ही ये भी बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। ये हमारी डीएसओ की पूरी कंस्ट्रक्शन है, पूरी वर्किंग है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, तो वो मैंने पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मैंने लिखा इसलिए नहीं है, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, आपको समझा दिया मैंने ब्लॉक डायग्राम से, समझ गए। और नीचे डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कीजिए और उनको नोट डाउन कीजिए अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, पढ़िए और पढ़ाइए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।